पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिलेक्ट हॉस्पिटल में एक निजी कार्यक्रम में हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। मोहसिन रजा ने बात करते हुए बताया कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं मुस्लिम परिवार से आता हूं, मगर हमारी संस्कृति वो हिंदू है। इस बात को हम मानते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत से लोग हैं जो कन्वर्टिड हैं और उनका क्या किया जा सकता है, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हिंदुस्तान हमको संस्कृति सिखाती है क्योंकि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो यहाँ जो संस्कृति है वो हमें जोड़ने का काम करती है। मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हम सब, मैं मुस्लिम परिवार से आता हूँ, लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो हिंदू है, तो इस बात को तो हम मानते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कोई बात और भी कही है, अब बहुत से लोग हैं जो कन्वर्टेड भी हैं, इसमें कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर बसे, जिसमें हम जैसे लोग हैं जो हमेशा बाहर से आए और हिंदुस्तान के ऋणी हैं कि हिंदुस्तान ने हमें सराहा और हिंदुस्तान ने सर आंखों पर रखा, इसलिए हम हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान तक देना चाहते हैं। हम ऐसे लोग हैं क्योंकि हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही है, क्योंकि हम पूरे विश्व को जब अपना परिवार मानते हैं तो यहाँ हमारी जो संस्कृति है वो हमको जोड़ने का काम करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है। तो जो बात उन्होंने कही है, मैं उन बातों से इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू हमारी संस्कृति है। इसलिए अभी चूंकि हमारा समाज बहुत शिक्षित नहीं है, जिस दिन शिक्षित हो जाएगा ये खुद कहेगा मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हिंदू इसलिए है क्योंकि हम जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हमारा नीला पासपोर्ट सबका एक साथ होता है, उसमें कोई पासपोर्ट किसी का बदला नहीं जाता है कि ईसाई है इनका बदल दिया जाए, मुसलमान है इनका बदल दिया जाए, हिंदू है तो इनका दूसरा रहेगा, ऐसा नहीं है। और भगवा तो प्रकाश का प्रतीक कलर है, उसको तो सबको मानना चाहिए। और हम तो अपने महाराज जी की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश देखिए आज चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, कि भगवे में, क्योंकि भगवा प्रकाश का प्रतीक है, इससे ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए ऐसे मुखिया के मिल जाने के बाद तो उजाला ही उजाला है, अंधकार में डूबा हुआ उत्तर प्रदेश था पूर्व में, आपने देखा है किस स्थिति से हम सब गुजरे हैं। आज इसी हॉस्पिटल में जहां हम आए हैं, ये हॉस्पिटल ये चला सकते थे उस सरकार के दौरान, ये इतनी धन उगाही हो जाती वहां माफियाओं और गुंडों से, उन पार्टियों की, समाज सपा बसपा की सरकार होती तो इनके पास तो रोज फोन आते कि साहब ये भेज दीजिए वरना फिर बंद कर दीजिए। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ये वही उत्तर प्रदेश है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया इन्वेस्टर समिट करते थे तो लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में भी नहीं आना पसंद करते थे, वो कहते थे मुंबई में करिए, यहाँ नहीं आएंगे हम। महबूबा मुफ्ती ने सवाल दागा था कि वो और पीछे जाए तो हो सकता है उनके पूर्वज कहीं बंदर भी निकल आए, उन्होंने एक कमेंट पास किया। देखिए, किसी के बात का किसी से हमसे मतलब नहीं है, मैंने, आपने मुझसे एक प्रश्न किया, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, बयानबाजियां तो आप जानते हैं, ये सब बेचैन लोग हैं। धारा 370 हटने के बाद जब हिंदुस्तान हो गया कश्मीर, तब उनकी समझ में आया कि अब हमें हिंदुस्तान में रहना है, वरना उन सब की भाषाएं और उन सब ने कैसे वहां शासन चलाया सब जानते हैं। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट कराया जिसमें वो बोल रहा है कि भाजपा राज में जेब कतरे जा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या यही है विकास का मॉडल भाजपा? असल में शायद हो सकता है कि उन्हें अपने कार्यकाल की याद आ गई हो, क्योंकि इस प्रवृत्ति के लोग तो उनके पास थे। हमारे पास तो दान वाले लोग हैं, सेक्रीफाइस करने वाले लोग हैं। भाजपा सत्ता में आती है सेवा करने के लिए, उनकी सत्ता आती थी लूटते थे उनके लोग, उनके यहाँ इस तरह के लोग जो थे उन्होंने बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी कर ली थी, मैं कहना नहीं चाहता। अभी जो संपत्तियां वापस मिल रही हैं गरीबों को, जो गरीबों से छीनी गई थी या सरकारी संपत्तियों पर जिन्होंने माफियाओं ने कब्जे किए थे, उसमें गरीब आच्छादित हो रहा है। आपने उन्हीं गरीबों को लूटा था, और हमारी सरकार, आदरणीय योगी सरकार ने, आपने जो आपके माफियाओं ने, जो अपराधियों ने, जिनको आपने महिमा मंडित किया था, इन जैसे लोगों को, मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता, उन जैसे लोगों को जिनके बारे में आपने प्रश्न किया, वैसे ही लोग आप लेकर मंच पर बैठते थे, आपको बलात्कारी मंच पर आपके मिलते थे, आपके अपराधी मंच पर मिलते थे, आपके भ्रष्टाचारी मंच पर मिलते थे। तो उन लोगों के बीच में आप रहे हैं, तो आप क्या जाने गरीब जनता का दर्द? गरीब का दर्द अगर कोई जानता है वो भारतीय जनता पार्टी की, देश की आदरणीय मोदी सरकार। 80 करोड़ लोगों को राशन, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, और उत्तर प्रदेश में ये
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हम लाखों के लाखों गरीब परिवारों को मकान दे चुके हैं, सर पर छत देने का काम किया है, रोटी कपड़ा और मकान देने का काम अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने रूप ने काम किया था और वही काम आप करना चाहते हैं, इसलिए अब प्रदेश की जनता सतर्क हो चुकी है। 2024 के गठबंधन पर क्या कहें? हम तो बार बार यही कहते हैं मित्रों, दरअसल ये ठग बंधन है और ठग बंधन जो है वो सब जान चुके हैं, तो इनको सबको नकार दिया है। उत्तर प्रदेश से 30 साल हो गए, 30 से 32 साल 33 साल हो गए कांग्रेस को नकार दिया, अब बहन जी को नकारा, बसपा की सरकार को नकारा, सपा की सरकार को नकारा, 30-35 साल के बाद हमारी सरकार दोबारा आदरणीय योगी सरकार के नेतृत्व में फिर से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, तो कुछ तो परिणाम जनता ने देखे हैं ना। आज कानून व्यवस्था के बारे में आप सभी जानते हैं, अभी देखिए जैसे ही हमारी सरकार बिहार से हटी वहां पर एक पत्रकार भाई को वहां पे जाके घर में घुस के मार दिया गया, तो इसका मतलब है कि अगर किसी को भय और लॉ एंड ऑर्डर का खौफ है वो भाजपा की सरकार में है, अपराधी अगर डरेगा तो भाजपा की सरकार में डरेगा, आम आदमी संपन्न होगा तो भाजपा की सरकार में संपन्न होगा, इसलिए ये सब ठगबंधन के लोग हैं, ये आने वाले नहीं सत्ता में। एक सवाल यह है कि कांग्रेस के जो नवनीत प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि मोदी को घेरने के लिए हर तरह की कोशिश करने के लिए हम तैयार हैं, और मैंने कहा कि उनको चाहिए है कि अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा की एक बची हुई कांग्रेस की सीट रायबरेली की बचाने का प्रयास करें, भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ करेगी उत्तर प्रदेश में, हम 80 के 80 सीटें जीतेंगे, और अमेठी तो भूल जाइए, अब कल्पना ही मत करिए। खाली उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं उन्होंने जो बयान दिया है कि अगर हम रायबरेली बचा पाए तो बताएं हमको, हम रायबरेली भी नहीं जीतने देंगे। इसके अलावा एक सवाल मेरा है, अभी आपने कहा कि जहां भाजपा है वहां पर कानून व्यवस्था है, नूह की घटना हुई और उसके बाद में मणिपुर की घटना को लेकर लगातार सवाल। देखिए ऐसा है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन घटना को कंट्रोल करना, वहां पर स्थिति को बहाल करना, ये इच्छा शक्ति पर होता है सरकारों की, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है। अपराधी तुरंत जेल जाएगा, पकड़ा जाएगा, और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने का प्रयास होगा, कहीं पर कोई के साथ कोई बात ऐसी हो गई है तो वहां पर सरकार पहुंचती है, सरकार के नुमाइंदे पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं और पहुंचकर उनका सेवा करते हैं। मुन्ना बजरंगी को लेकर लगातार भाजपा साथ थी, अब लेकिन आप जो मुझसे कर रहे हैं प्रश्न का जवाब, मैं मुझे पता भी नहीं वो हज यात्री कितने इस बार थे हज पर, हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से 26,786 लोगों ने हज पर इस बार अपना मुकम्मल किया है, हज गए थे, वो बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ गए, और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 45 साल से जो ऊपर की हमारी बहनें थीं उनके लिए हम लोगों ने ये कंडीशन कर दी, भारत सरकार ने कर दिया था कि पहले ये होता था कि किसी महरम के साथ जाएं, किसी घर के आदमी के साथ जाएं, तो इस बार हम लोगों ने ये व्यवस्था कर दी थी कि वो अगर जाना चाहती हैं उसकी व्यवस्था के लिए पूरी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में हर राज्य में और देश में हमारे लगभग 4,000 से ज्यादा ऐसी महिलाएं भी गईं जो अकेली गईं और उनको पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां मिली और वो हज करके वापस आई। सर मेरा एक सवाल है, पसमांदा समाज बीजेपी की तरफ किस तरह से देखता है? पसमांदा को, चूंकि पसमांदा कहते किसको, पहले मैं आपको बता दूं, पसमांदा उसको कहते हैं जिसको हमेशा इग्नोर किया गया, हमेशा जिसको कुचल के रखा गया हो उसको पसमांदा कहते हैं, और वो समाज आप हमारे साथ आज देख रहे हैं खड़ा, अभी हम चल रहे हैं वहां भी देख लीजिएगा, क्योंकि पसमांदा समाज को एक आशा की किरण अगर कहीं दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि 60 वर्षों तक सिर्फ वो वोट बैंक ही तो बना रहा और उत्तर प्रदेश में बसपा सपा का वोट बैंक बना रहा, आज मुख्य धारा से जोड़ने की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, आज पसमांदा को हम मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज में देख लीजिए और शोबों में देख लीजिए, हर योजना में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हो देश में हो, हमारे मोदी जी की योजना है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की योजना है, हमने भेदभाव नहीं किया, मतभाव कोई मतभेद नहीं किया किसी तरह का, हाँ बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है, तो इसलिए ये मानकर चलिए कि पसमांदा समाज हो या और अन्य समाज हो, सब भारतीय जनता पार्टी पर ही यकीन कर रहे हैं कि अगर कहीं हम सुरक्षित और संपन्न होंगे तो वो यही। 2 मिनट लेंगे बस हम। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।